साथ अभी फुटपाथ पार कराती थी आपके भाई ने ना गाड़ी। अच्छा, इस गाड़ी में दो चीजें बड़ी नॉर्मल है, फ्यूल लाइट और दूसरी यहाँ पे आती है चेक लाइट। सिविक हो और सनरूफ ना हो तो फिर क्या होंडा सिविक, बेकार है भाई, बेच दो। जिनके पास सनरूफ वाली सिविक नहीं है बेच दो, मैं उनको सिविक नहीं मानता। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो भाई क्या हाल है सबके, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, आपका भाई भी एकदम फर्स्ट क्लास फिट फाट। तो भाई आज का सीन ये है कि आज हम करने लगे हैं अपनी गाड़ी रिवील, गाड़ी की स्पेक बताएंगे आपको और फ्यूचर प्लान्स भी बताएंगे कि भाई गाड़ी के साथ और आगे क्या प्रोग्राम है, क्योंकि गाड़ियों से तो फिर मोहब्बत है तो फिर गाड़ियों का काम नहीं करेंगे तो फिर और किस पे काम करेंगे। तो ये सीन है, अभी चलते हैं, जरा पहले आपको सिनेमैटिक्स दिखाते हैं गाड़ी के, फिर इंशाल्लाह गाड़ी की पूरी डिटेल बताते हैं और फिर डिस्कस करते हैं कि फर्दर क्या प्लान है भाई हमारा। भाई आप लोगों ने सिनेमैटिक देखे ही होंगे, अब आपको गाड़ी दिखाते हैं पूरी अपनी। तो भाई ये है आपके भाई की होंडा सिविक 2005 मॉडल, मॉडल ये 2005 है इसका। गाड़ी एकदम VIP है, कलर वलर साफ सुथरा है गाड़ी का। ये आप देखें इसकी साइड रिम में डले हुए गाड़ी में, कंडीशन में ओके है, बस साइडों से थोड़े बहुत बम्पर शम्पर लगे हुए हैं। और बम्पर तो वैसे ही भाई कराची में होते हैं बाइक वालों के, बम्पर गाड़ी के नहीं होते, बम्पर होते हैं बाइक वालों के, कि जब तक बम्पर पे लगती नहीं है ना कि तब तक बाइक वाले ब्रेक नहीं मारते। शीशे वीशे फुल ब्लैक हैं, कि आपको पता है जब तक ब्लैक शीशे ना हो ना तो गाड़ी में वाइब नहीं आती भाई। 2005 इसका मॉडल ईयर है और सिविक VTI 4EL है ये, IVTEC इंजन होता है इसमें। तो भाई 2005 के हिसाब से तो ये लग्जरी गाड़ियों में आती थी। क्या क्या बोला तूने, नहीं पहले क्या बोला, चल चल चलो जाके इलाज कराओ। लेकिन अब ये एक नॉर्मल सेडान में आती है, बेसिक इसमें फंक्शन है, पावर विंडोज है, पावर स्टेयरिंग है और रिट्रेक्टेबल मिरर्स हैं, ऑटो एडजस्टेबल और सनरूफ है इसमें। अब आपको इंटीरियर दिखाते हैं गाड़ी का। ये भाई बजना शुरू हो जाती है, एक तो मेरे को पहचानने से इनकार कर देते हैं। ये इंटीरियर है गाड़ी का, इंटीरियर से काफ़ी साफ सुथरी गाड़ी मिल गई थी, हमने बाय करने में देर नहीं लगाई। ये गेजेस आपके भाई ने खुद इंस्टॉल किए हुए हैं। ये इंटीरियर है, इंटीरियर से भी गाड़ी कंचा है। वैसे इस गाड़ी में मुझे जो है पिछला लेग रूम कम लगता है। ये भाई पीछे से ऐसा दिखता है सेटअप गाड़ी का, समझ रहे हो ना, फिर तुम फुल वाइब आती है स्पोर्ट्स कार वाली। अजान स्पोर्ट्स कार इम्पोर्टेंट नहीं है, स्पोर्ट्स कार वाली वाइब इम्पोर्टेंट है, और वाइब के लिए आपके भाई ने लगा लिए 3 गेजेस। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। और आपके भाई ने गियर नॉब भी चेंज किया हुआ था, अभी दोबारा जेन्युइन भी ले आया, तो ड्राइव करते हुए फील कराती है कि भाई स्पोर्ट्स कार चला रहे हैं। भाई स्पोर्ट्स कार वाली फील इम्पोर्टेंट है, वाइब इम्पोर्टेंट है, स्पोर्ट्स कार इम्पोर्टेंट नहीं है। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी है नहीं ना स्पोर्ट्स कार, समझ रहे हो ना भाई। बाहर तो कुत्ते वाली गर्मी हो रही है, अभी एसी चलाया, अंदर बैठ गए तो थोड़ी जान में जान आई है, हालत आप देख रहे होंगे पूरा चिकना हो गया। एक तो कराची का मौसम भी यार ऐसा हो गया ना अब तो गंदा, बिल्कुल अजीब सा, मतलब गर्मी होती है और मतलब इंसान ऐसा लगता है चिपक रहा है, घिन आ रही होती है अपने आप से, ऐसी गर्मी होने लगी है अब तो कराची में। तो अभी एसी चला के बैठे हैं। खैर
अच्छा, इस गाड़ी में दो चीजें बड़ी नॉर्मल है, एक तो ये फ्यूल लाइट और दूसरी यहाँ पे आती है चेक लाइट। ओके, होंडा का इन दो लाइटों से बड़ा गहरा ताल्लुक है, तो जब भी ये दो लाइट आए ना तो आपने घबराना नहीं है, वो इन दो लाइटों से बड़ा गहरा ताल्लुक है होंडा का। भाई ये इसका मीटर है, इसमें आरपीएम गेज दिया हुआ है, स्पीडोमीटर है, टेम्परेचर है और फ्यूल गेज दिया हुआ है, और ये जो एक लाइट दिख रही है ना आपको हर वक्त जलती रहती है, इसका कोई हल नहीं है, इसको इग्नोर मारें। और यहाँ पे किलोमीटर्स बताती है। इस गाड़ी में एक मसला मुझे लगा कि ये यार ये एवरेज नहीं बताती, एहतियातन इसको एवरेज बताना चाहिए, वैसे तो कोई ख़ास एवरेज है नहीं इस गाड़ी का, लेकिन एहतियातन बताना चाहिए ना, दिल बहलाने का ख्याल अच्छा है गालिब वाली स्कीम। बाकी एसी गाड़ी का बहुत कड़क है, आफ्टर मार्केट इसमें पैनल लगा हुआ है, एंड्रॉयड इन फील बहुत अच्छी है यार गाड़ी की, मतलब 2005 की गाड़ी में आपको बैठ के ऐसा लगता नहीं है कि आप किसी बहुत पुरानी गाड़ी में बैठे हैं, ऐसा लगता है कि आप किसी लग्जरी गाड़ी में ही बैठे हैं। बाकी ये इसके सनरूफ और पावर मिरर्स के कंट्रोल हैं, फॉग लाइट है और ये पावर विंडो के कंट्रोल हैं, ये स्टेयरिंग है और ये डैशबोर्ड है, इसके अंदर ग्लव बॉक्स में भी अच्छी खासी जगह है, काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, ये डोर पैनल्स में भी काफ़ी स्पेस है, ये वीआईपी से कप होल्डर हैं जिसमें हमने वॉलेट थमाया हुआ है, ये भी थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस है। बाकी इसमें आर्मरेस्ट जो है ना बस सिर्फ ड्राइवर के लिए दिया हुआ है, पैसेंजर के लिए भी इन्होंने देना चाहिए था। खैर, और ये आपके भाई ने गेजेस लगाए हैं, इस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा पूरी डिटेल। अरे भाई ये कोई भाई आए हैं करतब दिखाने के चक्करों में, समझ नहीं आ रहा क्या चाह रहे हैं। तो भाई अभी चलते हैं गाड़ी की ड्राइव पे और इसकी ड्राइव चेक कराते हैं आप लोगों। लेट्स गो। अबे कहाँ से उतार रहा हूँ, साथ अभी फुटपाथ पार करा दी थी आपके भाई ने ना गाड़ी गलती से, वो स्लोप ऐसा बना हुआ और नीचे जाके फुटपाथ है वो, तो अभी उतर गई थी सस्पेंशन, उतर गई थी गाड़ी की और कुछ नहीं होता, या तो गाड़ी हवा में लटकी रह जाती। तो भाई इस गाड़ी का पावर स्टेयरिंग जो है ना वो बड़े लेवल का सीट है, बड़े लेवल का पावर स्टेयरिंग है इस गाड़ी में, मेरे ख्याल से हाइड्रोलिक पावर स्टेयरिंग आता है, बड़े लेवल का है भाई, बहुत स्मूथ है इसका स्टेयरिंग। और ट्रांसमिशन इसकी मैनुअल है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं है, मैनुअल ट्रांसमिशन की अलग ही वाइब होती है ना भाई, फिर सनरूफ के शश के इसमें पूरे हैं, होंडा सिविक हो और सनरूफ ना हो तो फिर क्या होंडा सिविक, बेकार है भाई, भेज दो, जिनके पास सनरूफ वाली सिविक नहीं है भेज दो, मैं उनको सिविक नहीं मानता, बेकार है भैया, मैं तो टूट गया, मजाक था भाई। तो सिग्नल पे आगे खड़े हो गए हैं, पिकविक गाड़ी का अच्छा है, उस टाइम की गाड़ी के हिसाब से पिकविक काफी अच्छा है गाड़ी का, ऊपर से एक तो ये चल रहा है भाई, पता नहीं किसका टेंट लगा हुआ है भाई, ये टेंट वेंट लगाने से कुछ नहीं होता, काम करने से होता है, टेंट लगाए हुए समझ रहे हैं कि बस बोर्ड मिल जाएगा इनको ऐसे बनाने में, क्या यार बस। एसी गाड़ी का बहुत अच्छा है भाई, एसी से चिल हो रही होती है गाड़ी, बहुत लेवल का एसी है, मतलब गर्मी में भी आपको फील नहीं कराता, पीछे बैठे हुए पैसेंजर्स को भी चिल फील कराता है गाड़ी, अगर आप फुल पे रखो या मीडियम पे भी रखो तो, अभी जैसे मीडियम पे एसी चल रहा है मतलब चिल्ड है गाड़ी, हल्का सा रन देते हैं गाड़ी को, वैसे तो स्टॉप गाड़ी है, रन क्यों दे रहे हैं, लेकिन फिर भी पिक तो चेक करना होता है ना, कीड़ा तो है ना पाकिस्तानी हो गया, हमारे लिए तो भाई मेहरान भी स्पोर्ट्स कार है, मेहरान का लेवल ही अलग है, तो धंधे के तो चेक करते हैं, ऐसे तो मजा नहीं आता। तो यार यहाँ पे खाली जगह भी नहीं मिलती ना कि बंदा गाड़ी चेक करे, ब्रेक्स एबीएस हैं इसमें, ब्रेक्स काफी अच्छे हैं गाड़ी के, अगर आपके टायर ओके हों तो, हमारी गाड़ी के थोड़े टायर घिसे हुए हैं तो ब्रेक जो है ना कहता है कि भाई थोड़ा फासला रख के मार मुझे वरना घुस जाऊंगा मैं गाड़ी लेके आगे, हो भी चुका है सीन, वो आपको बताएंगे किसी और वीडियो में, सिविक गाड़ी नहीं है, सिविक एक वाइब है, और गाड़ी इम्पोर्टेंट नहीं है, वाइब इम्पोर्टेंट है, सिविक है आपका, आपका इंस्टाग्राम पे जैसे वेरीफाइड होता है ना तो ब्लू टिक लगता है, इसी तरह सिविक आपके रिश्ते पे ब्लू टिक लगाती है, वेरीफाई करती है, मतलब आप रिश्ता लेने जाओ लड़का अच्छा है, गुड लुकिंग है, पैसे वैसे वाला है, ओके, घर है बंगला है ओके, लेकिन जब पता चलता है ना भाई लौंडे के पास सिविक है तो भाई ब्लू टिक लग जाता है कि रिश्ता वेरीफाइड,
दे दो लड़की, लड़की मिल जाती है हमें, वो भी नहीं मिल रही लाना जैसे भी रख के भी को पैसा बर्बाद। अंकल जी क्या कर रहे हो, उधर चल लो यार फास्ट लेन में चल लो, ये बाइक वालों से मैं तंग हूँ यार, इन्होंने मेरी फास्ट लेन खा जाते हैं, सारी स्पीड की ऐसी तैसी कर देते हैं, उड़ा दो। बोलता है भाई गाड़ी वाले का कसूर था, लग गए गाड़ी वाले के, बाइक वाले तो शरीफ शुरफा। लेकिन एक सेकेंड सी बात नहीं, हम भी बाइक चलाते हैं, हम भी यही कर रहे होते। तो भाई ये था आज का ब्लॉग, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं सब्सक्राइब करके, क्योंकि आगे आने वाला है बहुत नेक्स्ट लेवल कंटेंट। फिर नहीं बोलना यार, बताया नहीं था, इसे बता रहा हूँ सब्सक्राइब कर दो, मैं बता रहा हूँ आगे नेक्स्ट लेवल कॉन्टेंट आने वाला है, फिर नहीं बोलना बताया नहीं था। उम्मीद है आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी ब्लॉग में, हाफिज़।